क्यों मैं दुल्हन हूँ। अम्मी अम्मी मुझे के छत पे कोई लड़का गया है। अम्मी तुमने तो सिर्फ मंगनी की थी ना उसके साथ, मैं उसके साथ शादी करूंगी। वो क्रॉस करती है मेरे साथ। अब तुम्हें कुछ करना होगा मेरे लिए और अपनी मोहब्बत के लिए। अब वो लड़की सफाई देने से इनकार कर रही है। अरे वो तो पहले भी इनकार ही कर रही थी। ये तो मिकाल ने हम सबको बेवकूफ बनाया हुआ था। आप कुछ ज्यादा ही मिकाल की तरफ से बदगुमान नहीं हो रहे? मैं बदगुमान हो रहा हूँ? और तुम चाहती हो मैं अपनी बेटी का रिश्ता उस लड़के के साथ कर दूं जो बैक वक्त कई लड़कियों को शादी का झांसा दे रहा है? किसी वक्त भी लाके वो तुम्हारी बेटी के सर पे कोई दूसरी लड़की बिठा देगा। आप तो बहुत दूर की सोच रहे हैं। अच्छा चलो तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। मैं ये बात कहना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन अब लगता है कि कहे बगैर गुजारा भी नहीं है। असल में एनी की और उस लड़की की क्लब में बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। दोनों एक दूसरे से उलझ गई। वहां बैठे सारे लोगों ने तमाशा देखा है। और पहले भी एनी ने उस लड़की की कई बार इंसल्ट की है। उस लड़की का नाम जूबी है और उसने हमारी बेटी की जेलसी में बदला लेने के लिए बात कही है, और यही ख्याल आपकी बहन और निकाल का भी है। तुम्हारी जहानत की दाद देने को दिल चाह रहा है। कोई ऐसी लड़की है जो अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए इतनी दूर तक चली आएगी? मैं नहीं मानता। ये सब निकाल और कुलसूम की बनाई हुई दास्तान है बस। बहरहाल जब तक मैं खुद मुतमईन नहीं हो जाता मैं इस रिश्ते की इजाजत नहीं दूंगा। लगता है इस तरह तो बात हमेशा यहीं रुकी रहेगी और मुझे तब तक अमल से दूर रहना होगा जब तक मिकाल और एनी की शादी ना हो जाए, और ये शादी मुझे जल्दी होते हुए नजर नहीं आ रही। इस तरह तो मैं अमल के कभी भी करीब नहीं पहुंच पाऊंगा। हाँ मुझे तुमसे काम है। जूबी मुझे तुमसे बात करनी है। मुझसे तुम्हें क्या बात करनी? तुम्हारी बहन तो मुझसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये देखो। जूबी मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। इट्स इम्पोर्टेंट। जो बात तुमने मेरे डैड से कही थी क्या निकाल वाली कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, इज इट ट्रू? आई न्यू इट। देखो अगर तुम सच सुनना चाहते हो ना तो ठीक है सुन लो। ये बात बिल्कुल सच है कि मिकाल ने मुझे शादी के लिए कहा है। क्या ये बात तुम उसके मुंह से निकलवा सकती हो कि वो सीरियस था तुमसे शादी करने के लिए? देखो मैं अभी तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। जवाब नहीं दे सकती या जवाब है ही नहीं? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर ये बात सच है तो तुम्हें इस बात को प्रूव करना होगा। प्रूव कैसे करूं? प्रूव मुझे नहीं पता, खुद सोचो। या फिर तुम्हें मेरे डैड के पास जाके उन्हें कहना होगा कि ये झूठ था। और जो तुम कह रहे हो वो मैंने ना किया तो तुम क्या कर लोगे? क्या कर लूंगा? हाँ बताओ ना क्या कर लोगे? जान से मार दूंगा। और इसको कोई छोटी मोटी धमकी मत समझना, मैं वाकई में ऐसा कर सकता हूँ। Do you understand? तुम्हें एक दफा की बात समझ में नहीं आती? मैं नहीं आ सकती भाई छत पे। और ये क्या तुमने इम्तियाज की रट लगा के रखी हुई है, समझ नहीं आ रही तुम्हें एक दफा की बात? अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं जगह का इंतजाम कर लेता हूँ। तुम सिर्फ और सिर्फ इम्तियाज से बात कर लो यार, वो तुम्हारी बात मान भी लेगा। अच्छा मैं क्यों करूँ उस लोफर से बात? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी अम्मी मुझे घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देंगी। नशाबा अपना काम हो जाने के बाद इस तरह की हरकत ना करो। तुम्हें पता है तुम्हारे घर आ जाएगा तुम्हारी अम्मी को सब बता देगा। क्या क्या बता देगा? हैं बोलो, ब्लैकमेल कर रहे हो तुम मुझे? मैं नहीं, वो तुम्हारी अम्मी को बताएगा। क्या बता दोगे? यही कि तुम्हारी बहन बेकसूर है। तुमने इम्तियाज को छत पर बुलाया था मिलने के लिए, तुम्हारी बहन ने नहीं। चुप बकवास बंद करो अपनी। और मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती? नशाबा यार ये तुम किससे फोन पे बात कर रही थी? कौन है? अम्मी वो ना मेरी दोस्त, उसकी कॉल थी ये देखिए, वो उससे बात कर रही थी। तो सहेलियों से इस तरह चीख कर तो नहीं बात करते? और ये घर से निकलने वाली क्या बात थी? घर से निकलने वाली बात, वो मुझे कह रही थी कि मेरे घर आ जाओ,
मैंने उसे कहा मेरी अम्मा तो मुझे कहीं छोड़ती ही नहीं है, उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी तो इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। और आप भी तो देखिए ना, हर बात को खींच के इतना बड़ा कर देती है, सुन तो लिया करें, पुलिस वालों की तरह इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती हैं, समझा तो करें कम से कम। देखो नुशाबा, ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं, तो अपने हाथों से ना तेरा गला दबा के रख दूंगी। अमल की दफा तुम्हारा बाप जिंदा था, अब हमारे सरों पर किसी भी मर्द का सहारा नहीं है, सुना तुमने? मैं ना आपकी सगी बेटी, थोड़ा एतबार मुझ पर भी कर ले। वो जो सौतेली है ना, आपको उस पर एतबार है, हालांकि दो रातें वो गुजार कर आई है बाहर। बकवास करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, चल जाके घर के काम देखो, हर वक्त जबान चलती रहती है। तुम यहाँ कैसे आए? आपको कस्टमर से बात करने की तमीज नहीं है? क्या मतलब कैसे आए? ए मिस्टर, इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? आप कौन? मैं इस बुटीक की ओनर हूँ। ओह, ओनर हैं आप? जी। प्लेजर टू मीट यू। ते मैं। कि किस किस्म का आपने स्टाफ रखा हुआ है जो अपने कस्टमर से पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं? तो आप कस्टमर हैं? जी। बताइए क्या चाहिए आपको? एक ड्रेस चाहिए अपनी गर्लफ्रेंड की बर्थडे के लिए। अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में हमें कुछ बता सकें, लाइक उनकी हाइट, उनकी ड्रेस की मेजरमेंट, तो हमें आसानी होगी आपकी मदद करने में। एक्सक्यूज मी, इधर आइएगा। एक्सक्यूज मी अमल, बस ऐसी समझ लें कि बिल्कुल ऐसी ही हैं। कब है आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे? आप उनका नाम भी ले सकते हैं। बताइए क्या नाम है आपकी गर्लफ्रेंड का? अमर। ओके, आप एक हफ्ते बाद आकर अपना ऑर्डर कलेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप ट्राई आउट्स करवाना चाहती हैं तो बेशक इन पर करवा लीजिए, इफ यू नो व्हाट आई मीन। थैंक यू सो मच। तुम दोनों मेरे ऑफिस में आओ जरा। कॉल द फोन प्लीज। प्लीज 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 प्लीज। ठीक कर रही हो तुम, तुम्हें वाकई यहां से चले जाना चाहिए, मगर मगर क्या मैम? मैं ये सोच रही हूँ अगर इसके जाने के बाद कोई यहाँ पर आया और उसे इसका एड्रेस मांगा तो हम उसे क्या जवाब देंगे? तो हम कह देंगे कि वो अब यहाँ पर नहीं है, पहले काम करती थी लेकिन अब नहीं करती। जितनी आसानी से तुम ये सब कह रही हो, ये सब मुझे इतना आसान नहीं लग रहा। जो लड़का इतनी दीदा दिलेरी से हमारे बुटीक में घुसकर आ सकता है, अमल के साइज के कपड़े ऑर्डर दे सकता है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड कह रहा है, वो मुझे इतना शरीफ नहीं लगता कि हम जो कहेंगे वो चुपचाप से मान लेगा। तब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बच जाता है, सिवाय इसके कि हम पुलिस से मदद लें, और पुलिस से मदद लेना कोई इतनी छोटी बात नहीं है।
ये बात यहाँ पर खत्म नहीं हो जाएगी। तो ये बात कैसे खत्म होगी मैम? अमल को शादी कर लेनी चाहिए। मामा, मामा मैं बस आ रही हूँ, फिर मैं आपको लेके चलती हूँ। अब बोलो, क्या मिकाल ने तुमसे शादी का वादा किया था? जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस मामले में सीरियस है। तुम्हें पता है ना कि मिकाल की मंगनी एनी से हुई भी है? जानती हूँ। तो फिर तुमने ऐसे वादों पे कैसे इतबार किया? मैं उस पे इतबार नहीं करती। मुझे पता है वो ऐसी नॉन सीरियस बातें करता रहता है और मैं उसको लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ। तो क्या तुम ये बात मेरे हस्बैंड और एनी के फादर के सामने कर सकती हो कि ये सब मजाक था, झूठ था? मैं ये कह सकती हूँ कि वो मजाक कर रहा था, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मिकाल ने मुझे कभी ऐसा कुछ कहा ही। झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है ये। उसने कभी तुमसे मजाक में भी ये नहीं कहा था। तुम सिर्फ ये मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए कह रही हो। I know that. बस को। अगर तुमने अपनी बकवास करने की, I swear to tomorrow जो मैं मजाक कर दूंगा। एली, छेड़ जो, क्या हो गया तुम्हें? मैं कर रही हूँ ना बात। देख लिया आपने अपनी बेटी को कैसे धमकी दे रही है ये मुझे। कंट्रोल योरसेल्फ, मैं बात कर रही हूँ ना, सब्र करो। तो क्या तुम तैयार हो मेरे हस्बैंड के सामने ये बात करने को? जी। तो ठीक है, मैं कोई मुनासिब वक्त देख के तुम्हें कॉल करूंगी। चलते हैं। अरे एनी, क्या हो गया है? चलो चलो चलो। जूबी, अपने बाप के पाकिस्तान आने से पहले यह मामला खत्म कर दो। तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। मैं मिकाल को प्यार करती हूँ और प्यार में मुझे भी एक चांस मिलने का हक जरूर है। चांस लेने के बाद भी तुम उसे अपने हाथों से गवा रही हो। मेरी बात याद रखना जूबी, इन दोनों सूरतों में तुम इस लड़के के दिल से उतर जाओगी। अगर अम्मी को पता चल गया तो क्या होगा? नहीं नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं, किससे बात करूं? हाँ, अमल से बात करती हूँ। अमल, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे अमल, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मुसीबत में फंसी हूँ, मेरी मदद करो यार, बात सुनो मेरी। इधर देखो, यहाँ देखो, मुझे तुम्हारे मशवरे की बहुत जरूरत है, मेरी एक छोटी सी मदद कर दो अमल, प्लीज ना यार, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना तुम्हें जो बात करनी है अम्मी से करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नहीं नहीं, एक दफा मेरी बात। ये लीजिए आपका ड्रेस। थैंक यू। वो जो लड़की है अमल, उसे कहिएगा कि ये ड्रेस ट्राई करें ताकि मुझे यकीन हो कि मैंने सही ड्रेस लिया। लेकिन वो तो यहाँ से जॉब छोड़ के जा चुकी है, अब वो कहीं और काम करती है। झूठ बोल रही हैं आप, वो यहीं पर है, बुलाएं उसे। मैंने आपसे कहा ना, वो यहाँ से जॉब छोड़ के जा चुकी है, आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा है? आप तो जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती? अभी आपने जबरदस्ती देखी नहीं है। अगर आप बाज ना आए तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। बुलाएं पुलिस को, बुलाएं, मैं भी देख लेता हूं कि वो क्या कर लेते हैं। जब मैं आपसे कह चुकी हूं। आप कह रही हैं कि वो यहां से जा चुकी है, कहां गई वो? जॉब छोड़ के जाने वालों का हिसाब नहीं रखती मैं अपने पास, मुझे क्या पता कहां गई है। हो सकता है घर बैठ गई हो, उसने कहीं जॉब ही ना की हो। मुझे घर का एड्रेस दे दो। अब ये मत कहिएगा कि आपके पास घर का एड्रेस नहीं है, बताएं। देखिए मिस्टर, अब एक बात तो तय है, जब तक अमल ये ड्रेस नहीं ट्राई करेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा,
Now it's up to you कि आप क्या करना चाहती हैं। बुटीक बंद करने का टाइम हो गया, ऐसे घर भी जाना। मुझे कुछ नहीं सुन। आप जिद क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे कह चुका हूँ, बुलाइए अमल को, बुलाइए। माइंड क्या आप ये ड्रेस ट्राई कर सकती हैं मेरे लिए प्लीज तुम कहीं नहीं जाओगी मैं भी देखता हूं कौन सूरमा तुमसे तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ करवाता है हट जाओ मेरे रास्ते से वरना अच्छा होगा कि तुम मेरा गरेबान छोड़ दो वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूं छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें एक एक चीज का हिसाब लूंगा मैं अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है वो दोबारा यहां नहीं आएगा मैं चलता हूं दो दिन में तुम्हें मैम कुलसुम की बुटीक ज्वाइन करनी है मेरी मानो तो कल से ही ज्वाइन कर लो उन्हें अच्छा लगेगा अमर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तुम्हें नहीं लगता कि निकाल अब वो पहले वाला निकाल नहीं रहा वो बदल गया है वो सचमुच तुमसे मुखलिस है मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती देखो मैं इस वक्त तुम्हें उसकी जरूरत यार मैं कह रही हूं ना मुझे कोई बात नहीं करनी तुम बार बार वही बात कर रही हो अमल मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है कुछ मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी अमल एक मिनट हटो अमल रुको रुको अमल एक जरूरी बात करनी है एक दफा मेरी कोई बात नहीं सुनो मैंने कहा था ना कोई भी जरूरी बात करनी हो तो अम्मी से किया करो मुझसे मत किया करो अमल मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया यार इसीलिए तो माफी मांगने आई हूँ तुमसे मैं बहुत मुश्किल में हूँ अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया ना तो मैं किसी तरफ की नहीं रहूंगी और अगर अम्मी को पता चल गया तो अम्मी तो मुझे जान से मार देंगी अमल प्लीज मेरी बात सुन लो अमल कहाँ है अम्मी आशु को कॉपियां दिलाने गई अम्मी के आने से पहले तुम एक दफा मेरी बात सुन लो अमल मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ी हूँ मैं बहुत मुश्किल में हूँ उस वक्त बोलो
अमल वो छत पे जो उस दिन वो लड़का आया था ना, वो मैंने बुलाया था। तुमने बुलाया था मतलब? मतलब ये कि तुमसे बदला लेने के लिए बुलाया था। भाई तुमने भी तो अकरम के साथ मुझे पकड़वाया था ना अमल, तो इसीलिए तुमसे बदला लेने के लिए मैंने उस लड़के को बुला लिया। तुम्हें बस अमल एक दफा मेरी बात सुन लो। महज मुझसे बदला लेने के लिए तुमने मेरी इज्जत मेरे किरदार को दागदार कर डाला। ऐसी होती है बहन? अमल मैं माफी मांग तो रही हूँ तुमसे। तुम मेरी बहन हो ही नहीं सकती। कोई भी बहन अपनी बहन का इतना बुरा नहीं चाहती जितना तुमने मेरा चाहा। अमल नहीं 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 अमल एक दफा मेरी बात सुनो। देखो तुम्हें मुझे मारना है ना, ये लो मारो मारो यारो, तुम मुझे मारो। अमल तुम मुझे मारो लेकिन प्लीज मेरा साथ दे दो इस वक्त, मैं बहुत मुश्किल में हूँ अमल। अगर अम्मी को पता चल गया ना तो मैं किसी तरफ की भी नहीं रहूंगी यार। वो लफंगा लड़का मुझे बहुत धमकियां दे रहा है, कह रहा है कि अगर मैं उससे अकेले में नहीं मिली ना अमल तो वो अम्मी को सब कुछ बता देगा। अमल सोचो अगर अम्मी को सब कुछ पता चल गया तो अम्मी मुझे जान से मार देंगी। अमल खुदा का वास्ते मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ू, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ी, तुम्हारे पाँव पकड़ी तो मैं अल्लाह का। अच्छा उठो, उठो सही ना, उठो। अच्छा मेरी मदद करो, मेरा साथ दे दो, अम्मी को पता चल जाएगा ना अम्मी मुझे नहीं छोड़ेंगी। बहन हो ना मेरी, बड़ी बड़ी बहन हो यार, थोड़ा तो रहम कर लो मुझ पे अमल। मैं भी तुम्हारी तरह एक कमजोर लड़की हूँ, इतनी बड़ी बेवकूफी करते वक्त मैं जरा भी एहसास नहीं हुआ कि तुम क्या करने जा रहे हो। क्या होगा इसका अंजाम? देखो मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे अम्मी से बात करनी होगी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। नहीं नहीं अमल 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 मेरी बात सुनो, नहीं अम्मी के पास से जाने दूंगी नहीं। नहीं नहीं, नहीं अम्मी को पता चल गया अम्मी मुझे जान से मार देंगी। तुम्हें खुदा का वास्ते, देखो मैं तुम्हारे पाँव पकड़, मैं तुम्हारे मैं अम्मी को बताया पकड़। नहीं 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 अमल अम्मी मुझे जान से मार देंगी। नहीं नहीं तुम अम्मी के पास ही जाओगी ना? देखो वो तो सही ना, अम्मी के पास से नहीं जाओगी। जाऊँगी तुम। चोटें खा के काफी होशियार हो गए हो तुम। तुम्हें पता था मैं घर पे अकेला हूं। खैर कहो क्या कहने आए हो? तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? शर्त के मुताबिक तुम गाड़ी ले चुके हो मिकाल, तो तुम्हारा उस लड़की से वास्ता क्या है? कौन सी शर्त? मैं उस शर्त को खत्म कर चुका हूं, और वैसे भी मुझे एहसास हो गया कि मुझे शर्त लगानी नहीं चाहिए थी। कार्ड से गाड़ी की चाबी लो और भूल जाओ शर्त को। सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तुम्हें उस शर्त से नहीं निकलने दूंगा मिकाल। छोड़ दो उस लड़की का पीछा, तुम फैमिली हो इसलिए आराम से समझा रहा हूं तुम्हें। फैमिली? मैं तुम्हारी? ओ प्लीज। गाड़ी की चाबी लो जाओ। बात गाड़ी और चाबी से बहुत आगे निकल गई है मिकाल। तुम चाबी वापस करके अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। खुलकर बताओ क्या कीमत लोगे मेरे आगे से हटने की? बोलो कीमत? जान लूंगा या जान दूंगा यह नहीं कीमत। अगर तुम उसे हासिल करना चाहते हो ना तो फिर लगा दो अपनी जान की बाजी, मैं भी उसे बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाऊंगा। अच्छा मजा आएगा, देखते हैं किसमें कितनी जान है। चलो ठीक है ले लो मजे। देख लूंगा मैं।
अमल, अमल कहाँ हो भाई? जल्दी इधर आओ यार। अमल क्या हुआ? अमल अम्मी आ गई हैं यार। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। मुझे बचा लोगी ना आज अम्मी से? पता नहीं, लेकिन कोशिश करूंगी। मूड कैसा है अम्मी का? अच्छा नहीं, ये बहुत गुस्से में लग रही है मुझे तो। अम्मी, बात करनी थी आपसे। देखो, आप कोई और बात मत करना इस महंगाई के दौर में। और तुमने वो नई नौकरी पे जाना था ना, पैसे बढ़ने की बात की कि नहीं? जी अम्मी की है, 1000 रुपए बढ़ाए हैं मेरे। सिर्फ 1000 रुपए? मैम कह रही हैं कि 1000 रुपए और बढ़ जाएंगे अगर उनको मेरा काम पसंद आया तो। अरे भाई, वो क्या कहते हैं, वो जो होती है, आप परफॉर्मेंस की बात कर रही हैं। हाँ, तो वो करके दिखाओ ना उन्हें। अगर वो ना बढ़ाए ना पैसे, तो हमारे अपने ही घर के रोने धोने डालो, वो दे देगी तुझे 2000 रुपए। अच्छा जाओ, जाके ना 2 रोटियां डालो, आदिल आने वाला है। अरे रोटी मैं बना देती हूँ ना अम्मी। क्या क्या काम? मुझे सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोल। अम्मी मैं कह रही हूँ रोटी मैं बना देती हूँ। मेरी नुशाबा ही बोल रही है ना। बड़ी बात है भाई, ये तो कयामत की निशानी है। वरना नुशाबा साहिबा और कोई काम करे, वो भी अमल के हिस्से का। जी हैरत है भाई। अम्मी वो बात करनी है आपसे। अच्छा देख, पैसों की बात ना करना। देख बड़ी मुश्किल से मैं घर चला रही हूँ, अल्लाह की कसम, बच्चों के खर्चे, पूरे घर का, मुझसे नहीं होगा। नहीं नहीं, सैलरी मिल चुकी है, वो मैं अभी दे दूंगी आपको लाके। बात कुछ और है। सैलरी आ गई तेरी? हाँ हाँ, अब तो तू बेधड़क हो गया। बोल बोल क्या कहना। अपने बाप के सामने इसने मुझे जलील करवाया, अब इसने तेरे सामने मुझे जलील करवाया। इस कमबख्त को नहीं छोड़ूंगी मैं, तो बाहर निकल। नहीं अम्मी, वो लड़का अभी इसके पीछे पड़ा हुआ है, ये सोचे कि इसकी जान कैसे बचानी है उससे, ये ना हो कि कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाए। अरे मोहल्ले में अलग बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे, इसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं क्या करूं? कुछ तो सोचना पड़ेगा ना अम्मी। अरे अल्लाह, थैंक यू, थैंक यू। वो लड़की सबके सामने सच बोलने पे राजी हो गई है। मैं और एनी गए थे उसके घर। दरअसल उसको निकाल से कोई मसला नहीं है, उसने ये सब कुछ हमारी बेटी की जेलसी में किया है। अरे यार, मुझे अगर अपनी बेटी की शादी निकाल से ना करनी होती ना, तो मैं ऐसी लड़की की शक्ल भी ना देखता कभी जिंदगी में। जिस तरह की बेहुदा और बकवास गुफ्तगू कर रही थी वो सबके सामने, मुझे तो लगता उसकी तरबियत ही ऐसी हुई है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब हम उसके घर गए थे तो उसकी माँ भी मौजूद थी वहाँ पे। अच्छी माकूल औरत है। ये मसला तो आजकल के बच्चों का है, जो रिश्ते नातों को एक फेसबुक के स्टेटस की तरह लेते हैं। आज एक लगा दिया, कल दूसरा लगा दिया। लेकिन हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं है। अल्लाह ना करे हमारे बच्चे क्यों ऐसे होंगे। ठहरो, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं भी देखता हूँ कौन सूरमा तुमसे तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ करवाता है। तुम्हें नहीं लगता कि निकाल अब वो पहले वाला निकाल नहीं रहा? वो बदल गया है, वो सचमुच तुमसे मुखलिस है। तुम कुछ भी कर लो निकाल अब साहब, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर माफ नहीं करूंगी। तुमने सिर्फ मुझे उस दरिंदे के आगे फेंका नहीं था, बल्कि मेरी रूह तक को घायल कर दिया था। तुम यहाँ खड़ी हो, रो रही है? अब्बा याद आ रहे? जी, आज अगर अब्बा होते तो
लोग माले मुफ्त समझकर हमें हजम करने की कोशिश नहीं करते। मगर अब उस दुनिया में नहीं है और हमें तनाही उनके बगैर मुकाबला करना ही सफाक दुनिया का। मैं तुमसे माफी मांगने आई थी, वो उस दिन रशाबा की बातों में आके मैंने तुम्हें और तुम्हारी मरहुमा माँ को बहुत कुछ कह दिया। मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की मजरिम हूँ, मुझे माफ कर दो। तो ना माफ कहती है ना माँ, अच्छा चलो आ जाओ। एनी और उसकी अम्मी मेरे घर आई थी। ये मजाक अब मेरे गले पड़ चुका है निकाल, और मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरे फादर के पाकिस्तान आने से पहले पहले ना मैं इस मजाक को खत्म करना चाहती हूँ। अपनी फैमिली से बात करता हूँ, मैं मिलवा देता हूँ सबसे। ठीक है, अब वैसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम एनी से मोहब्बत करते हो? शायद हाँ, शायद नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो। क्या मतलब है मिकाल, तुम्हारी उससे शादी हो रही है और तुम्हें पता नहीं है? शादी करने के लिए शादी करनी होती है, मोहब्बत नहीं। वैसे भी मैं मोहब्बत वोहब्बत पे बिलीव नहीं करता। मुझे तो जाना है, मैं फैमिली से कोऑर्डिनेट करके तुम्हें बताता हूँ। बाय। यानी से मोहब्बत नहीं करता लेकिन उससे शादी कर सकता है। हाँ भाई, क्या काम है? मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? अक्रम का नंबर है ना ये। अक्रम का नंबर ना होता तो तूने तो फोन ही नहीं उठाना था, इसीलिए अक्रम के नंबर से कर रहा हूँ। देख, फोन मत काटना, आज मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर आज तूने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं तो क्या कर लोगे? फजूल में डराओ नहीं मुझे, ना ही धमकियां दो। अम्मी को बोलोगे ना ज्यादा से ज्यादा, जाओ बोल दो जाके, डरती नहीं हूँ मैं किसी से। ये तो आज बड़ी शेरनी बनकर बोल रही है, कहने लगी मैं किसी से नहीं डरती, बताना है तो बता दो। भाई मैं क्या कह सकता हूँ, तुम देख लो। तू क्या कह सकता है बेटा, मेरे साथ खेलने की कोशिश मत कर। मैंने जो भी किया है तेरे कहने पर किया है, और अब तू ही मुझे उसे मिलवाएगा, नहीं तो तू जानता है ना मैं कितना पागल आदमी हूँ। चल मिलाओ से फोन अब। क्या हुआ? इम्तियाज का फोन आया था, अकरम के नंबर से फोन करके धमकियां दे रहा है मुझे। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा जो करना है कर लो, मैं नहीं डरती किसी से। लेकिन अमल, अम्मी से बहुत डर लग रहा है मुझे, अगर अम्मी को पता चल गया ना अम्मी मुझे जान से मार देंगी। अमल मैं क्या करूं? अमल तुम क्यों डर रही हो? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो घर से बाहर भी कम जाती हो। अब यही है कि तुम अगर बाहर जाओ तो एहतियात करना। और हाँ एक बात, ये जो अक्रम है ना इससे बात करना छोड़ दो, ये उसी का चेला है, ये ठीक नहीं है लड़का। हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं ना उससे बात ही नहीं करूंगी। अम्मी कहाँ है? अम्मी तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही है। चलो ठीक है तुम जाओ, मैं रेडी होके आ रही हूँ। अम्मी देर हो रही है, आज पहला दिन है। तुम जूते उतार के बैठो। चलो ये तुम बैठो ना, मैंने तुम्हारी पसंद का देखो नाश्ता बनाया। नई नौकरी है, नया ऑफिस है, पता नहीं वो लोग खाने को भी देंगे कि नहीं, इसलिए तुम तगड़ा नाश्ता करके जाना ताकि तुम्हें भूख ना लगे। क्या जरूरत थी इतना कुछ करने की अम्मी, आपको पता है सुबह भूख नहीं लगती मुझे, सिर्फ चाय पी के तो जाती हूँ। अरे मैं कौन सा रोज रोज बनाने वाली हूँ। चलो जूते उतारो, बैठो नाश्ता करो। ये क्या कह रही थी? कौन? अरे यही नुशाबा। और कौन? तुम्हारे कमरे में आई थी ना? नहीं नहीं वो तो हाँ, वो लड़का उसे तंग कर रहा है ना,
उसका इतना हौसला बढ़ गया है कि वो छत पर दंदनाता फिरता है बदमाश बनकर। पूरी पूरी रात में जागती रहती हूँ, अजीब सा खौफ और धड़का लगा रहता है कहीं छत पर कोई आ तो नहीं किया। बात मोहल्ले में निकल गई तो कैसी कैसी बातें करेंगे, यही सोचकर मेरा दिल हौलता है। अब बहुत कमी होती है कि हमारे घर में कोई मर्द ही नहीं है। आज तुम्हारे अब्बा जिंदा होते ना तो किसी की जरूरत नहीं थी कोई मैली आंख उठाकर हमारे घर की तरफ भी देखता। मैं एक जिम्मेदार बाप हूँ, एक जिम्मेदार बाप होने की हैसियत से मैं अपनी बेटी की शादी कभी ऐसे लड़के से नहीं करूंगा जो ऑलरेडी किसी दूसरी लड़के के साथ इन्वॉल्व हो। लिहाजा मुझे सच से बताओ कि तुम्हारे और मिकाल के दरमियान दोस्ती की नौयत क्या है। मेरे और मिकाल के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। ये बात तुम मिकाल के किसी दबाव के तहत तो नहीं कह रही? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तुमने मिकाल पे इल्जाम क्यों लगाया? क्योंकि मुझे एनी पे गुस्सा था और मैं उससे बदला लेना चाहती थी। गॉड किस कदर बेवकूफ लड़की हो तुम ये भी नहीं जानती कि शादी ब्याह के मामला कितने सेंसिटिव होते हैं। जो एक दूसरे से रिश्ते में बनने जा रहे होते हैं उनके दरमियान अगर कोई तीसरा शख्स आके शक डाल दे तो जानती हो क्या होता है? उनका नुकसान तो होता है, उनके साथ दो खानदान तबाह हो जाते हैं। समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। You're right. I totally agree with you, uncle. शादी से पहले लड़का और लड़की के बीच में शक नहीं होना चाहिए, लेकिन शादी के लिए लड़का और लड़की के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मिकाल और एनी के बीच में तो वो भी नहीं है। क्या मैं दुल्हन हूँ?